दोस्तों आज हमारे पास है ओप्पो रेनो 2 एप स्मार्टफोन। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके 48 मेगापिक्सल कैमरे के बारे में। और दोस्तों आपको बताने वाले हैं कि आप इसका 48 मेगापिक्सल का कैमरा किस तरह से इनेबल कर सकते हैं और दोस्तों किस तरह से यूज कर सकते हैं। और साथ ही हम ये जानने वाले हैं कि इसका जो 40 मेगापिक्सल का कैमरा है वो किस तरह से वर्क करता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त विजय और आपका स्वागत है हमारे निकुल ऑप्शनाइज चैनल में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो। दोस्तों आपको सिंपली अपने ओप्पो रेनो 2 एप स्मार्टफोन में 48 मेगापिक्सल कैमरा यूज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कैमरे को ओपन करना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। अब दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, अब दोस्तों आपको सिंपली ऊपर की ओर से नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर जो स्क्रॉल करना है सिंपली। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने तीन ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। एक तो फ्रेम का ऑप्शन आ जाएगा, दूसरा आपके सामने टाइमर का ऑप्शन आ जाएगा और तीसरा जो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर जो है 40 मेगापिक्सल 40 एमपी का ऑप्शन यहाँ पर दिख जाता है। आपको सिंपली इसे ऑन कर देना है। ऑन जैसे ही करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपका 48 मेगापिक्सल का कैमरा जो है यहाँ पर ऑन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक फोटो से यहाँ पर क्लिक करके मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इसमें जो है फोटो क्वालिटी कैसी आती है। तो सिंपली कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर फोकस करके यहाँ पर फोटो क्लिक कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर हम फोटो की क्वालिटी देखेंगे, हमारी जो फोटो की क्वालिटी है वो कैसी आई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फोटो की क्वालिटी काफी अच्छी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसकी जूमिंग करते 48 मेगापिक्सल कैमरे की जूमिंग देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो जूमिंग है कैसी आ रही है। तो इसमें जूमिंग भी काफी अच्छी आ रही है। मैं जितना जूमिंग करता हूँ देखिए धीरे धीरे यहाँ पर जूमिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर जूमिंग दिखाई दे रही है। इसके जो पिक्सल्स हैं काफी अच्छे आ रहे हैं 48 मेगापिक्सल कैमरे के। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हम कुछ फोटोज और क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पर जो है इसके जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर फोकस करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो है इसे सबसे पहले मैं ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद दोस्तों एक मैं फोटो क्लिक करके बता देता हूँ नॉर्मल कैमरे की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फोटो क्लिक कर लिया। अब इसे ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद दोस्तों इसके जो AI ऑप्शन है यहाँ पर जो डिजिटल कलर का ऑप्शन है इसे भी इनेबल करते हैं। इनेबल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर HDR का ऑप्शन है वो आउटो करते हैं। यहाँ पर जो है फ्लैश का ऑप्शन है वो भी यहाँ पर इनेबल कर देते हैं। दोस्तों ये जो सारे ऑप्शन है यहाँ पर सारे ऑप्शन वर्क करते हैं आपके 48 मेगापिक्सल कैमरे में। अब यहाँ पर देखिए मैं फिर से एक फोटो क्लिक कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आपका जो ब्यूटी का ऑप्शन है ब्यूटी का ऑप्शन भी यहाँ पर वर्क करता है। कई सारे कैमरे में जो 48 मेगापिक्सल कैमरे में ये सारे ऑप्शन वर्क नहीं करते, इसमें करते हैं। अब सिंपल यहाँ पर जो इसे करते हैं हम फोटो देखिए आप देखिए ये जो फोटो से हमारा ये 48 मेगापिक्सल का कैमरे का जो कि हमने जो है सारे ऑप्शंस इनेबल करके लिए ये है जो है हमारा नॉर्मल कैमरे का जो कि आपका जो नॉर्मल कैमरा रहता है वो उस कैमरे का है। और दोस्तों यहाँ पर इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी भी सही है। और दोस्तों इसके बाद जो हमने फोटो क्लिक किया था वो हमारा था 48 मेगापिक्सल कैमरे का। अब यहाँ पर देखिए हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आप यहाँ पर जो है स्काई की बात कर लेते हैं, स्काई की फोटो क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है मैं AI मोड का जो ऑप्शन है सिंपली ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद उस पर एक फोटो क्लिक कर लेता हूँ। अब इसे ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद फिर से एक फोटो क्लिक कर लेता हूँ। अब उस पर ये फोटो क्वालिटी हम देखेंगे कि हमारी जो फोटो क्वालिटी है वो कैसी आई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है ये हमारी ऑन की फोटो है जो कि हमने क्लिक की है। स्काई का देख सकते हैं आप, स्काई में काफ़ी ब्राइटनेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है और आपका जो स्काई आपका जो आसमान है काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरी फोटो की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपका जो स्काई उसमें इसका कलर जो है स्काई का कलर जो है थोड़ा डल दिख रहा है और दोस्तों उस वो फोटो भी आपका काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से जो है फोटो दिखाई देती है आपके 48 मेगापिक्सल कैमरे में और आप कुछ इस तरीके से जो है इसे इनेबल कर सकते हैं। बाकी आप इसमें ब्यूटी भी बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं जहाँ तक जो है आपको बताऊँगा कि आपकी जो ब्यूटी आप कम ही रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी आपका फोटो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय जी।